जैसे शिखा वेलकम बैक टू माय चैनल डेलस ऑफ मॉम आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आज मैं आप सब से बात करने वाली हूँ बेबी के बाद टाइम के बारे में तो बात टाइम जो होता है बेबी का वो काफ़ी ज़्यादा फन टाइम होता है और उस टाइम पे बेबी बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं और उस टाइम को और इंजॉयबल बनाने के लिए मैंने रिसेंटली बाय किया है लव लैब का एक्वा बाथ टब और अगर आपके घर में भी कोई बेबी है या फिर कोई बच्चा है जिसके लिए आप बाथ टब ढूंढ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो बाथ टब जो हो वो ड्यूरेबल हो सेफ हो बेबी के लिए बेबी के लिए कम्फर्टेबल हो एवन इवन अच्छी क्वालिटी का हो और जो लॉन्ग लास्टिंग हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने

नॉन टॉक्सिक है बीपीए फ्री है बेबी के लिए बिल्कुल सेफ है और इसकी जो क्वालिटी की बात करें ये बिल्कुल अमेजिंग है और इस प्रोडक्ट में जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो प्रीमियम क्वालिटी के प्लास्टिक को इसमें यूज किया गया है इज अमेजिंग आप न्यू बॉर्न से लेकर के थ्री इयर्स तक के बेबी के लिए यूज कर सकते हो और इसकी जो वेट कैपेसिटी है वो ट्वेल्व के तक की है दूसरी चीज आप इसको न्यू बॉर्न के लिए भी यूज कर सकते हो तो न्यू बॉर्न को यूज करने के लिए आप इसको एक्लाइंट पोजिशन में यूज कर सकते हो ये टू इन वन फीचर में आता है बिकॉज जब आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको आप डायरेक्टली बाथ पे बिठा के नहीं नहला सकते हो तो उसके लिए इसमें जो एक ट्विन वन फीचर दिया गया है जिसमें आपको बेबी को एकलाइन पोजिशन में आप करके डेफिनेटली उसको नहला सकते हो और जैसे ही आपका बेबी बैठने लग जाए विच इज अराउंड फोर मंथ और फाइव मंथ और सिक्स मंथ तो आप इसको एज अ नॉर्मल बाथ यूज़ कर सकते हो तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा फीचर है बच्चों को नहलाने में हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं कर सकते और पानी को एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है तो इसके लिए इसमें एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर दिया गया है वो है इसका जो है सेंसेटिव टेम्परेचर प्लग तो इसकी खास बात यह है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी हुई या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म हुई पानी तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाता है जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा हॉट वाटर डाला है तो इसका कलर जो है वो ग्रीन से वाइट हो गया और हमें पता चल गया कि ये जो पानी है ये बेबी के लिए बिल्कुल सही नहीं है बहुत है बहुत ज़्यादा गर्म पानी तो टेम्परेचर पानी का मेंटेन में करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है मुझे हमें पता चल जाता है कि हाँ पानी का टेम्परेचर सही है अब बेबी को हम इसमें नहला सकते हैं नेक्स्ट इसका जो बेस है वो एंटी स्लिप बेस है जो कि बेबी के लिए काफी ज्यादा सेफ है जो एजेस है वो सॉफ्ट कवर्ड एजेज है जो कि बेबी के लिए बहुत ही सही है और इसके अंदर ड्रेन प्लग भी दिया हुआ है जिसकी वजह से पानी आसानी से निकल जाता है ऐसा नहीं है कि आपको इससे पानी निकालने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ जाएगी इसकी जो बहुत ही अच्छी बात है ये कि ये ये कि स्पेस बिल्कुल नहीं लेता बिकॉज फोल्डेबल है तो आपको आप इसको आसानी से फोल्ड कर सकते हो लाइट वेट है तो आप इसको आसानी से कैरी करके कहीं भी छोटे से स्पेस में भी इसको रख सकते हो सो ये था लव लैब का एक्वा बेबी बाथ टब तो so, सो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए कि आपको कैसा लगा और अगर आपको ये बात तब अच्छा लगा और आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से अमेजोन से बाय कर सकते हैं या फिर लैब के वेबसाइट से बाय कर सकते हैं दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से आसानी से जाके बाई कर सकते हैं और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा आपको हेल्प होगा अगर आप बेबी के लिए बात तब ढूंढ रहे हैं तो और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए और टेल्स मॉम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी यू बाय टेक केयर